पांच गधे हुए अदालत में पेश, वजह जानकर रह जाएंगे आप भी हैरान। असिस्टेंट कमिश्नर ने लकड़ी स्मगलिंग केस में इन पांच गधों को जायदाद के तौर पर तलब किया था। तसलीबख्श मुआयने के बाद गधे और लकड़ी के स्लीपर को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। अदालतों में तो इंसानों की पैदावारी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जज साहब के सामने जानवर भी पेश होते हैं? जी हाँ, ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। एक अजीब और गरीब वाक्य पेश आया है। चित्राल में लकड़ी स्मगलिंग केस में असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पांच गधों को पेश किया गया। मुलविस होने के इल्जाम में असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफुल्ला की अदालत में पेश किया गया। लकड़ी स्मगलिंग केस में असिस्टेंट कमिश्नर ने तलब किया इन पांच गधों को जायदाद के तौर पर। तसली बख्श मुआयने के बाद गधों और लकड़ी के स्लीपर को महकमे जंगलात के अहलकारों के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, ये गधे महफूज हैं और इन्हें किसी के हवाले नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गधों को अब स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अदालत ने मुतमईन किया, गधे मुतल्लका हुकाम की तावील में हैं। दरअसल गधों पर लकड़ी के एक या दो टुकड़े बंधे होते हैं। गधे लकड़ी की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते थे। दिलचस्प बात यह है कि गधे बहुत होशियार थे, क्योंकि वो खुद ही लकड़ी को सही जगह पर स्मगल करते थे। इससे कबल सितंबर में महकमे जंगलात के मुलाजिम उमर शाह और उसके साथी इमरान शाह चेक पोस्ट गार्ड को मखनिहाल के इलाके में जंगल से कीमती लकड़ी स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे मुअत्तल कर दिया गया। उमर शाह मखनिहाल के इलाके हरिपुर में अरसा दराज से देवदार की कीमती लकड़ी और अबेज की नस्ल के दरख्तों को चोरी करके फरोख्त कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 न्यूज़, हिंदी।